गाड़ी लग जाएगी किसी को, कम हो गया। यहाँ पे टीना जी, अरे 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 नहीं हो, सब लोग पीछे आ जाओ, और थोड़ा पीछे ना, मैम यहाँ पे मैम थोड़ा लेफ्ट में देखिए ना मैम, नहीं यार टीना पांडे ये साइड आ दो, पीछे एक मिनट थोड़ा नीचे करो ना माइक प्लीज। कैसे हो आप? अच्छी हो, आपने टाइम के बाद मैं ठीक हूँ। मैं आपको जाने के टाइम मिली थी, अब आने के आई नो। कैसा रहा आपका सफर बिग बॉस 16 में? अच्छा था, रोलर कोस्टर राइड था, अप्स एंड डाउन से, गुड डेज, बैड डेज, अगली डेज, सब कुछ देखा है मैंने। सो इट्स लाइक सर्वाइव्ड एन एंटायर 4 months इनसाइड द हाउस। वेल अभी भी कुछ लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज है, कौन है जुजू, कुछ बताना चाहोगे आप? ये तो CID वाला सवाल हो गया। आई थिंक आप लोग पता कीजिए कौन है जुजू, बट आई थिंक सम मिस्ट्री मिस्टीरियस रहे वही बेहतर है। अचानक से तो नहीं बोलूँगी, 8-9 हफ्ते से हम लोग साथ में हैं और वो बहुत इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बिल्ड हुआ है एंड बहुत टाइम के बाद हमारी दोस्ती हुई है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप और आगे भी हम दोस्त रहेंगे और आगे भी हम मिलने वाले हैं। साथ ही तीनों एक शायरी वाला माहौल अभी चल रहा था, आई क्या कहना चाहोगे? वो तो अलग ही लेवल का टैलेंट है, मतलब उसका अर्चना जो अचानक से उनके अंदर शायरी का भूत जगा है, बट यू नो वो भी एक टैलेंट होता है। आपको कोई बोले अचानक से शायरियाँ बनाओ, आप नहीं बना पाएंगे, बट शीज गुड, शीज इम्प्रॉम टू, मतलब मस्ती खोर है, बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ बना रही थी। प्रियंका और अर्चना को डेफिनेटली, उन दोनों को मिस कर रही हूँ। वेल बिग बॉस के घर पे बाहर आने के बाद दी फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा क्या मिस किया, क्योंकि बिग बॉस भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंटेस्टेंट के साथ जैसे ही खेल रहे थे। बिग बॉस के घर में क्या मिस कर रही थी बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद क्या मिस किया है सबसे ज़्यादा? आई थिंक मैंने प्रियंका की फ्रेंडशिप मिस कर रही थी, वो घर के अंदर जो हम लोग सब चिल करते थे, मस्ती कर रहे थे, वो घर में मिस कर रही थी, बिग बॉस का आवाज़ में मिस कर रही थी। इसके अलावा तो कुछ और डेफिनेटली नहीं मिस कर रही थी। किसी से मिलना हुआ है बिग बॉस के घर के बाद? अभी तक तो नहीं मिलना हुआ है, मैं खुद ही बिजी थी तो डेफिनेटली मैं किसी से नहीं मिल पाई, बट मेरी अंकित से बात हुई है और किसी और से बात नहीं हुई है। फारा खान जो आपकी भारत देती है, वेल साथ ही ये जानना चाहेंगे टीना, क्या लगता है अभी भी 2 वीक बचे हैं फिर भी कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है आपको? प्रियंका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शिव ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है, तो डेफिनेटली शिव और प्रियंका तो टॉप 2 में जाने वाले हैं 110%, एंड आई थिंक स्टैन भी कहीं ना कहीं टॉप 3 तक जाना चाहिए। ही इज एन अमेजिंग होस्ट यार, सलमान खान तो दिल जीत लेते हैं सबके, सबके प्यारे हैं, सो आई लव सलमान सर। पापा मम्मी सबको बहुत मिस किया था, स्पेशली जब लोग आपको बहुत भला बुरा कहते हैं और आपकी जब थोड़ा सा लो फील करते हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मम्मी पापा या घर वालों की दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आती है। साथ ही निमरित टिकट तो फिनाले का एक
मतलब आप बिना कोई टास्क किए ना ऑडियंस के वोट के जरिए ना किसी के जरिए अगर आपको टिकट टू फिनाले मिल जाता है सो आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली अनफेयर। इस पूरी जर्नी के दौरान सबसे बेस्ट डे क्या था? बेस्ट डे बहुत सारे बेस्ट डेज थे। आई थिंक माई फर्स्ट एंट्री इन साइड दी हाउस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज यार लिविंग दैट मोमेंट। उसके बारे में नहीं बात करनी है मुझे। एक मिनट प्लीज गाइस प्लीज कोई अगर एक दिन अगर आपको अगर बोला जाए जैसे कि आपका बर्थडे भी बहुत स्पेशल था और भी कुछ आपके फ्रेंड्स के साथ भी कोई कुछ डेज बहुत अच्छे थे कोई अगर एक डे अगर चूज करना होगा तो कौन सा? आई थिंक मैं टास्क बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी जो नॉमिनेशन कैप्टेंसी का जो नॉट नॉमिनेशन का टास्क बट कैप्टेंसी का टास्क या जो भी घर में टास्क होता था ना कि कैप्टेंसी दावेदारी से हटाना वो जो टास्क होते हैं और वो गेम्स खेलना पड़ता था वो मुझे बहुत ज्यादा मैं एंजॉय करती थी। 24 घंटा लड़ाई होता है कोई अपना आ जाए जैसे कि आपकी मम्मी आएगी तो कैसा फील होता है? डेफिनेटली आपको बेटर फील होगा यू नो अगर आप घर वालों से सबसे मोबाइल से पूरे दुनिया से डिटैच्ड है और सबसे अलग है तो डेफिनेटली कोई अपना आ जाते मिलने के लिए तो एक पॉजिटिव वाइब हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। सलमान सर इज एन अमेजिंग होस्ट। मतलब सलमान सर नहीं है तो आई थिंक बिग बॉस का जो रौनक है वो कभी नहीं हो पाता है। सलमान सर का बेस्ट पार्ट क्या है ना सलमान सर सुनते हैं। अगर आप कुछ कहने की कोशिश करिए अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए दूसरे होस्ट नहीं सुनते आपकी बातें बट सलमान सर आपको वो मौका देते और मतलब बोलने का मौका देते सुनने समझने का मौका देते हैं। ही इज़ नॉट अ बायस्ड होस्ट वो मुझे सबसे अच्छा लगता है सलमान सर के बारे में। जैसे बिग बॉस जैसे शुरुआत हुई लोग बहुत अच्छे से देखते थे अगर मुझसे पूछा जाए गेम के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक निमृत इज नॉट डिजर्विंग सुम्बुल इज नॉट डिजर्विंग। वाई बिकॉज सुम्बुल को हर हफ्ते जगाया जाता था कि यू नो वेकअप कॉल दिया जाता है आई थिंक वो अनफेयर हो जाता है। आई अंडरस्टैंड एंड आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि सुम्बुल के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग से बाहर उसने अभी अभी एक शो किया है जो भी है बट अगर ये तो वही बात हो गई ना कि आपके फैन फॉलोइंग्स बाहर बहुत तगड़ा है तो आप अंदर जाके चिल कर सकते हो और कुछ भी ना करो आप टॉप तक फिनाले तक या टॉप फाइव तक पहुँच जाएंगे। तो मुझे वो लगता है कि इट्स नॉट फेयर टू द अदर कंटेस्टेंट्स जो डे वन से मेहनत करते हैं बिकॉज सुम्बुल इज़ अ वन कंटेस्टेंट जो हर हफ्ते मतलब सेकेंड वीक से सुम्बुल को वेकअप कॉल दिया जाता है। अभी भी एपिसोड में बोला जाता है कि एक बार नच करो देखो वो जाग रही है कि नहीं तो वो थोड़ी सी अनफेयर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती कि आपके फैंस ने आपको इतने वोट्स नहीं दिए हैं? मेरे को वोट तो डेफिनेटली मिले हैं बट इट्स अ लॉट ऑफ थिंग दैट गोज ऑन इन द एंटायर प्रोसेस इज नॉट ओनली वोट्स यू नो इट्स अ लॉट। वेल बिग बॉस में ही हमने देखा कि बहुत से लोगों को बहुत से प्रोजेक्ट्स की बात हुई है क्या आप भी आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स देखने मिले? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है सो लेट्स सी आई एम गोना बी जो अच्छा होगा जो मुझे लगेगा कि यही करना है आई एम गोना टू गो इनटू दैट। वेल लोग ये भी कह रहे हैं कि टॉलीवुड में आप दिखने वाली क्या ये बात सच है? बातें चल रही है मुझे नरेटिव क्रिएटिव मीटिंग के लिए जाना है नरेशन के लिए जाना है सो लेट्स सी। सब जानना चाहते हैं कि आपको सालिन का ट्रू लव है या फेक लव है? थैंक यू गाइस लव यू बाय बाय थैंक यू। टीना जी यहाँ पर देखिए टीना जी रोहित रुक ना हाँ कल मैम ये गाइस ओके मैं यहाँ से ओके मैम थैंक यू टीना जी हेलो आ गई है।